नमस्कार जेके न्यूज पॉइंट के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो इस वक्त की एक बड़ी अपडेट लेकर हम लोग हाजिर हुए हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। और आज इस खबर के अपडेट के साथ साथ एक सवाल भी हमारा है, और वो सवाल का जवाब या जो भी वो विचार है आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। तो आपको बता दें, इस वक्त जो ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है कि आप सभी ने देखा होगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर देखा होगा कि जिस तरह से जब शराब की दुकानें खोलने के आदेश दिए गए, जब बहुत सारी स्टेट्स में शराब की दुकानें खुल गई, उसके बाद शराब की दुकानों के बाहर जो लंबी लंबी कतारें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही थी, उसके वो वीडियोस तो सबने देखे, जो बेहद ही चिंताजनक है, बेहद ही डिसअपॉइंटिंग है। और उससे कितने सारे लोगों की जान खतरे में डल रही थी वो भी आप इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि जहां लगातार लॉकडाउन जो है, कितने दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, वहीं एक ही पल में जिस तरह ना वहां पर कोई सोशल डिस्टेंस दिखाई देता है, तो एकदम से हम कह सकते हैं कि जो अभी तक हम वो चेन तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर एकदम से जब इतना सारा लोग एक साथ वहां पर नजर आए, तो बहुत ही एक दुर्भाग्य की वो बात थी कि जब इस तरह के विजुअल शो उस दिन सामने आए थे। तो आपको बता दें, इसके बाद शराब की दुकानों को बंद कराने को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है और कहा है कि हम इस पर कोई आदेश नहीं दे सकते, पर हाँ इतना बोल सकते हैं कि जितनी भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये इंश्योर करे कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। हालांकि वो ऑनलाइन ऑर्डर ले ले या होम डिलीवरी कर ले, तो इससे जो सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन रह सकता है। और जो लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, बिल्कुल भगदड़ भीड़ देखने को मिली, कोरोना वायरस के चलते बहुत ही ज्यादा चिंताजनक थी, तो उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है और निर्देश दिए हैं कि जो जितने भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर विचार करे और इंश्योर करे कि शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए, चाहे ऑनलाइन डिलीवरी लेके या फिर होम डिलीवरी लेके सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए। बिल्कुल। वहीं अगर जम्मू की बात करें, तो जम्मू में हम सब जानते हैं कि अभी तक जो है जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो अभी तक उन्होंने परमिशन नहीं दी है कि यहाँ पर जम्मू में जो है कोई भी लिक्वर शॉप शो ओपन हो, पर सेंटर की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो ऑर्डर टिप्पणी उनकी तरफ से सामने आ रही है। और वहीं क्या कुछ जो है जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, उनकी तरफ से क्या कुछ सामने आएगा वो हम आपको अपडेट करेंगे, पर फिलहाल बात करें तो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई भी इस तरह का जो है डिसीजन जो है सामने नहीं आया है। तो हमारे साथ शुभांशी शर्मा है, शबीर अहमद, जहूर सोहेल, अरविश सूरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और जो लिख रहे हैं, सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुश्ताक अहमद खटाना है, एमडी जफर हैं, तनु ससन हैं, और साथ ही एहसान जंडियाल के साथ साथ एजाज मिर हैं जो गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं, COVID-19 के अपडेट पूछ रहे हैं। तो पूरे देश में किस तरह का माहौल है वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। पर आज का जो ये वीडियो लाइव इंटरेक्शन है, ये इसका जो मेन सवाल है वो यही है कि जो हमने देखा लिकर शॉप, जो वाइन शॉप्स के बाहर जितना भीड़ हमें देखने को मिली, उसको देखते हुए आप क्या सोचते हैं कि क्या होम डिलीवरी होनी चाहिए, ऑनलाइन ऑर्डर लिया जाना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने का ये एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है वो दिख रहा है। बिल्कुल। वहीं अगर बात करें, जो लोग जो है लगातार बाहर फंसे हुए हैं, वापस लाने के जो है प्रोसीजर चल रहा है, वहीं बताएं तो डीसी लेक की तरफ से यहाँ पर सामने आ रहा है कि आज जो है 318 जो लोग थे जो फंसे हुए थे, उन्हें जो है वापस ले लाया गया 12 बसेस में। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि कोशिश होगी कि हर दिन जो है इस आंकड़ों को जो है इंक्रीज किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो इस वक्त जम्मू में लद्दाख के लोग फंसे हुए हैं उनको भी जो है वापस लाया जाए। तो अभी तक उन्हें बताया कि लगभग अभी तक अगर बात करें तो 1000 लोग जो इस वक्त फंसे हुए थे उन्हें जो है लेह डिस्ट्रिक्ट में वापस ले आया गया है। और अगर हम पूरे देश की बात करें तो अभी तक 56,342 केसेस सामने आ चुके हैं। आप देखिए 55,000 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है और 56,342 केसेस अभी तक पूरे देश में कंफर्म हो चुके हैं कोरोना वायरस के, जिसमें से 37,916 एक्टिव केसेस हैं। हालांकि 16,540 रिकवर भी कर चुके हैं, पर 1,886 डेथ भी हो चुकी है। और वही आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो पहले नंबर पे है, जो वर्स्ट हिट स्टेट्स में से पहले नंबर पे है, उसमें अभी तक 17,974 टोटल केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 13,900 से ज्यादा केसेस एक्टिव हैं, और वहीं 694 अभी तक महाराष्ट्र में डेथ हो चुकी है। और अगर गुजरात की बात करें तो 7,012 अभी तक पॉजिटिव केसेस वहां पर सामने आए हैं, जिसमें से 4,878 अभी भी एक्टिव हैं और 425 मौतें हो चुकी हैं।
और दिल्ली की अगर हम बात करें तो 5,980 केसेस अभी तक कंफर्म हुए हैं कोरोना वायरस के, जिसमें 3,983 एक्टिव केसेस हैं, 66 मौतें हो चुकी हैं। बिल्कुल, वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार आंकड़ा जो है इस वक्त बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर कल की भी बात करें तो कल जो आंकड़ा सामने आया था, आपको बता दें उसमें से एक 9 साल की लड़की भी जो थी वो पॉजिटिव पाई गई। वहीं उसके साथ बात करें तो मेडिकल ऑफिसर जो है वो भी पॉजिटिव पाया गया है। तो लगातार हम बात करें प्रियंका, उनकी जो लोग इस वक्त फ्रंटलाइन में काम कर रहे हैं और जो वो लोग भी हैं जिस तरह कोविड-19 के शिकार होते जा रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही लोग हैं जो इस वक्त फ्रंटलाइन में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको तमिलनाडु का बता दूं, 5,409 अभी तक पॉजिटिव केस वहाँ से सामने आए हैं। राजस्थान में 3,427, मध्य प्रदेश में 3,252, उत्तर प्रदेश में 3,071, आंध्र प्रदेश में 1,847, पंजाब में 1,644, वेस्ट बंगाल में 1,548, तेलंगाना में 1,123 और साथ ही कर्नाटका में 705, हरियाणा में 625, बिहार में 550 और केरला में अभी तक 503 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। और ओडिशा में आपको मैं बता दूं अभी तक 219 केसेस सामने आए हैं, चंडीगढ़ में 135, झारखंड में 132, त्रिपुरा में 65, उत्तराखंड में 61, छत्तीसगढ़ में 59, असम में 54, हिमाचल प्रदेश में 46 और साथ ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 33, मेघालय में 12, पुडुचेरी में 9, गोवा में 7, मणिपुर में 2, अरुणाचल प्रदेश में 1, दादर नगर हवेली में 1, मिजोरम में 1। तो वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। अगर भारत का हर कोना अगर इसकी चपेट में है तो कोई देश इससे बचा हुआ नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर बार बार हम अपने वीडियोस के थ्रू ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये अपील करने की कोशिश करते हैं कि जितना हो सके अपना आप ध्यान रखिए। वहीं अगर बात करें इंडियन रेलवे की तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी तक जो है 5,231 कोचेस को जो है कन्वर्ट किया गया है कोविड केयर सेंटर्स के लिए, और यही बताया जा रहा है कि 215 रेलवे स्टेशन हैं जो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं प्लेसमेंट ऑफ द कोविड केयर सेंटर्स के लिए, और जिसमें लगभग 2,500 अगर बात करें तो डॉक्टर्स और लगभग 35,000 जो है स्टाफ के लिए डिप्लॉयड किया गया है और 5,000 के तकरीबन जो है बेड्स भी जो है रेडी किए गए हैं अगर इस तरह की सिचुएशन जो है अगर पैदा हो जाती है। तो मंजूर खान अपनी राय रख रहे हैं वाइन शॉप्स को लेकर, तो वो बोल रहे हैं कि बेटर नो वाइन शॉप्स, बेटर क्लोज वाइन शॉप्स एंड ओपन मिल्क राइस फूड शॉप्स देन फॉर पुअर फैमिलीज कैन ईट वाइन नॉट गिव एनीथिंग, फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स फुलिशनेस टू गिव परमिशन टू ओपन वाइन शॉप्स। तो बिल्कुल जो आपका ये आइडिया है कि एक दुकान अगर वैसे भी खुल जाए जहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनके लिए खाना मिल सके, तो वो भी एक बहुत अच्छा आइडिया है, लोगों की बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। इरशाद अहमद मीर हैं हमारे साथ, मोहम्मद अशरफ समीर खान, इंजीनियर किलम ऋषि, लतीफ अहमद हैं हमारे साथ और साथ ही बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जो अपनी अपनी राय वाइन शॉप्स को रखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो बताया जा रहा है कि अभी तक जो है उत्तराखंड में जो है कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया और ये अगर बात करें फोर्थ डे की उत्तराखंड में जो है लगभग पिछले चार दिनों से कोई भी जो है पॉजिटिव केस सामने नहीं आ रहा है। तो वहीं आपको लगातार हम आंकड़े बता रहे हैं और वहीं बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तनु ससन है हमारे साथ, एजाज मीर तनु ससन के साथ जो लिख रहे हैं, नो होम डिलीवरी बिकॉज वी नेवर नो डैट द पर्सन हु इज डिलीवरिंग इज हेल्दी और नॉट। उनका कहना है कि होम डिलीवरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो होम डिलीवरी करने आ रहा है वो भी हम नहीं जानते हेल्दी है या नहीं। जॉन दीन गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं, वेरी गुड आफ्टरनून जॉन दीन। अमरजीत कुमार, जहूर सुहेल गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं, सुनील जरियार हैं, आदिल भट्ट हैं, सजाद अहमद मीर हमारे साथ हैं जो लिख रहे हैं, सजाद अहमद मीर अपनी सजेशन शेयर कर रहे हैं जिसमें वो बोल रहे हैं जिंदगी रही तो शराब बाद में भी पी जा सकती है और चंद शराब के लिए पूरी कंट्री को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं, कहीं ना कहीं लॉकडाउन फेल होता नजर आ रहा है। तो बिल्कुल जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं वाइन शॉप्स के बाहर, जिस तरह की भीड़, जिस तरह की भगदड़, जिस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उठते हुए नजर आ रही हैं, तो वो एक बेहद ही चिंताजनक है क्योंकि उससे पूरे देश की लाइफ बिल्कुल। सोनू हमारे साथ हैं जो गुड लिख रहे हैं और कुरेशी हमारे साथ हैं जो गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं और रेणु कुमार ने हमें ज्वाइन कर लिया है और कुलदीप राज अत्री हमारे साथ हैं जो एग्री कर रहे हैं और यस लिख रहे हैं और वहीं रेणु कुमार हेलो लिख रहे हैं आपको भी और गुरप्रीत सिंह हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल।
और साथ ही हमारे साथ ठाकुर मूल सिंह बाली ज्वाइन कर चुके हैं, जो लिख रहे हैं वाइन शॉप बंद रहने चाहिए, अगर ओपन करनी है तो फिर होम डिलीवरी बेस्ट फॉर्मूला है वाइन का। तो बिल्कुल यही सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी दी है, उन्होंने भी यही निर्देश दिए हैं सभी एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो भी इंश्योर करे सोशल डिस्टेंसिंग, चाहे वो होम डिलीवरी करे चाहे ऑनलाइन ऑर्डर्स करे, जैसे मर्जी करे, पर सोशल डिस्टेंस को इंश्योर करना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। वहीं इरशद अहमद मीर हैं जो पूछ रहे हैं जम्मू में, तो आपको बता दें कि फिलहाल अगर अभी तक बात करें तो अभी तक जो है जम्मू में कोई भी पॉजिटिव केस जो है सामने नहीं है, पर जैसे दिन बीता है शाम तक कोई ना कोई आंकड़ा सामने था, तो जो भी अपडेट आएगा जरूर हम आपको अपने 8 बजे के लाइव इंटरेक्शन के दौरान जो है हम आपको जरूर अपडेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो पंकज भार्गव हैं हमारे साथ जो लिख रहे हैं, मैंने कल भी पूछा था कि जो लोग रेंट पे रह रहे हैं उनको जो किराया मांगा जा रहा है क्या ये गलत नहीं है, तो बिल्कुल जिस तरह से सरकार ने कहा है जब तक लॉकडाउन है किसी भी किराएदार को तंग नहीं किया जाए या घर से बाहर नहीं निकाला जाए या ज़बरदस्ती किराया नहीं मांगा जाए, तो उस पर जो है अगर ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होती है। जी, क्योंकि हम लगातार बात करें इस वक्त जिस महामारी से हम सब लड़ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अभी भी नहीं समझेंगे हमें इस वक्त तो एटलीस्ट जो है एक दूसरे का हेल्प करनी है और सामने आना है, क्योंकि लगातार हम बात करें तो देखा जा रहा है अगर आसपास बात करें इतने सारे नीडी लोग हैं जहाँ पर अभी तक राशन नहीं पहुँच पा रहा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस माहौल में जो है हम एक दूसरे की मदद करें और मिलकर ही जो है इस महामारी से जो है हम जीत हासिल कर सकते हैं। और हमारे साथ ताहिर शाह नकवी हैं जो अपना सजेशन शेयर कर रहे हैं, सुभांशी शर्मा जो लिख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा होना चाहिए, ताहिर शाह नकवी लिख रहे हैं टोटल शराब बैन हो जानी चाहिए और शराब एडमिनिस्ट्रेशन को शराब के बदले लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो अपना राशन खाना तक एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। साजिद अहमद मीर हैं जो लिख रहे हैं थैंक्स फॉर द अपडेट, और साजिद आपको बता दें कि हम लगातार आपको हर अपडेट से जो है रूबरू करवा रहे हैं। और वहीं यशपाल भगत हमारे साथ हैं कि मैम जी रियासी का डिस्चार्ज हुई है यानी, तो बिल्कुल यशपाल भगत हम आपको वो भी अपडेट जो है ज़रूर बताएंगे। और अर्जुन सिंह राजपूत हमारे साथ है जितने मिल रहे हैं, वहीं शकील हुसैन हैं हमारे साथ जो लिख रहे हैं टोटल बैन होना चाहिए लिक्वर पर, भानु राजपूत, सैयद अख्तार हुसैन, तनु ससन, एमडी जफर, गुरप्रीत सिंह, मोहम्मद शफी, सनू बुद्राजा और नज़ीर मलिक हैं हमारे साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव इंटरेक्शन में ज्वाइन करने के लिए, इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट आपको आप तक पहुंचाने के लिए हम लाइव आए थे। और वो अपडेट आपको फिर से मैं एक बार बता दूं कि जो पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में शराब की दुकानें बंद कराने को लेकर, जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है हम कोई आदेश जारी नहीं कर सकते, पर हाँ हम निर्देश जरूर दे सकते हैं। टिप्पणी उन्होंने दी है कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो सोशल डिस्टेंस को इंश्योर करें या फिर होम डिलीवरी पे स्विच करें या फिर ऑनलाइन ऑर्डर्स लें, किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।